फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे टू कलर का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा स्वेटर डिजाइन। फ्रेंड्स ये डिजाइन जो है बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कीजिए, कैप में, शॉल स्टॉल मफलर में, बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है, इसे बनकर बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलेगा। तो ये डिजाइन पैटर्न फ्रेंड्स 3 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 2 फंदा आप लेंगे साइड के एड स्टिच, तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 2 कलर का डिजाइन पैटर्न आपको बताएंगे। तो ये फर्स्ट रो है राइट साइड, तो फर्स्ट रो को देखिए आप पूरी सिलाई ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 1 है, राइट साइड है, तो इसको आप इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। अब फ्रेंड देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डिजाइन जो है आप अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा डिजाइन है। तो आप जो कलर कॉम्बिनेशन अगर अपना सही रखेंगे तो बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनकर मस्त एक आएगी। तो चलिए ये पूरी डिजाइन हम और आप बनाते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये डिजाइन कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने ये टोटल 20 फंदे लिए हुए हैं फ्रेंड्स, और ये 3 के मल्टीपल 18 डिजाइन के हैं और 2 है साइड के एड स्टिच है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। ये सेकेंड रो है, बैक साइड है, तो बैक साइड देखिए हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। ये टोटल जो है 6 रो की डिजाइन है, तो ये हम ये सेकेंड रो इस तरीके से हम उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड रो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये थर्ड रो है और राइट साइड है, थर्ड रो राइट साइड। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लाएंगे और पूरी सिलाई को हमें ये उल्टा उल्टा ऐसे बुन लेना है। ये थर्ड रो है और राइट साइड है, तो इसको उल्टा बुनते हुए थर्ड रो को ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए पूरी सिलाई को आपको ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। और ये जो लास्ट का है साइड का एड स्टिच, इसको धागा पीछे ले जा करके हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। ये रो 4 है और देखिए ये बैक साइड है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब इसको ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब इस फंदे में देखिए 2 बार धागे को ऐसे हम लपेटेंगे और बुन लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट फंदे को 1 2 धागे को लपेटेंगे बुनेंगे, 1 2 2 बार धागे को लपेटेंगे बुनेंगे। इसी तरह आप पूरी सिलाई को आपको ऐसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से 2 बार धागे को लपेटना है और बुन लेना है, 1 2 2 बार धागे को लपेटेंगे और बुन लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पूरी रो कंप्लीट करना है। अब देखिए लास्ट का फंदा है तो इसको हम उल्टा केवल बुनाई करेंगे। तो हमारा ये 4 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए 5th रो है और राइट साइड है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, ऑप्शनली आप बुन लीजिए। इसके बाद धागा को आगे लाएंगे और 3 फंदा, 1 2 3 3 फंदा हम खोल लेंगे, ऐसे ओपन करेंगे और देखिए 1 टाइम्स बुनाई किया, धागा पीछे ले जाएंगे और ये सेकेंड टाइम्स बुनाई किया, धागा आगे लाएंगे और ये 3 टाइम्स बुनाई किया। अब इसी तरह आपको 3 फंदों में करना है। देखिए फिर अगेन हम 1 2 3 3 फंदे हम खोलेंगे और इसे लेफ्ट नीडल्स पे ऐसे ले लेंगे और देखिए 3 फंदों में हम 3 टाइम बुनाई करेंगे, 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, 3 फिर अगेन देखिए 1 2 3 3 फंदे हमने ओपन किया और देखिए हम ये 3 फंदों में 3 फंदा बनाएंगे, 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, 3
फिर इसके बाद देखिए 1, 2, 3, फिर इसमें हम ऐसे देखिए 3 टाइम्स बुनाई करेंगे, 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, 3, फिर देखिए 1, 2, 3, फिर देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, फिर इसके बाद अगेन देखिए 1, 2, 3, अब देखिए इसमें 1, 2 धागा आगे किया, 3, अब देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, ये साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे, तो रो 5 हमारा ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए रो 6 है और ये बैक साइड है, तो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बुन के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए पूरी रो को हम ऐसे उल्टा बुनाई करेंगे पर्ल वाइज, रो 6 है तो देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई ऐसे उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यही 6th रो आपको रिपीट करना है सेकेंड कलर में, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है फ्रेंड्स। अब देखिए यही 6th रो आपको रिपीट करना है, तो अब यहाँ पर हम अपना सेकेंड कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर रिपीट पैटर्न भी हो जाएगा और सेकेंड कलर आपको ऐड करके बता भी देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ग्रीन कलर लिया है और इसको हम ऐसे देखिए फर्स्ट फंदा बुनाई करेंगे और इसके बाद पूरी रो को हमें सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। देखिए इसको हम फ्रेंड देखिए डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत है, तो इस तरीके से हम पूरी रो को सीधा बुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है ये सेकेंड रो रिपीट पैटर्न है। अब देखिए पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसको हम ऐसे आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये 3rd रो रिपीट पैटर्न है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे और ये पूरी रो को हमें ऐसे उल्टा उल्टा 3rd रो बुनाई कर लेना है। तो ये राइट साइड 3rd रो है तो इसको आप इस तरीके से पूरा बुनाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रो 4 है, बैक साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और देखिए 1, 2, 2 टाइम्स धागा को लपेटेंगे, बुनाई करेंगे, 1, 2, 2 टाइम्स धागा को लपेटेंगे, बुनाई करेंगे, देखिए 1, 2, 2 टाइम्स धागा को लपेटेंगे, बुनाई करेंगे। इस तरीके से 2 बार धागा को आप लपेटते हुए सभी फंदों को इसी तरीके से आप बुनाई करेंगे, तो आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये 4 रो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 5th रो है और ये राइट साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब धागा को हम अपनी साइड लाएंगे और ये 3 फंदा 1, 2, 3, 3 फंदा हम खोलेंगे और देखिए ये 3 फंदों में हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, 3। अब यही आपको रिपीट करना है। देखिए 3 फंदा खोलेंगे, 1, 2, 3, अब इसको हम लेफ्ट नीडल्स पे लेंगे, देखिए 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, 3, फिर इसके बाद 1, 2, 3, देखिए इसमें हम 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, 3। तो इसी तरीके से आप 3 में 3 फंदे बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए रो 6 है, बैक साइड है रिपीट पैटर्न का, फर्स्ट फंदा स्लिप करके और पूरी सिलाई को हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेना है। तो रो 6 को आप इस तरीके से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए 1 से लेके 12 रो में हमारी ये डिजाइन पैटर्न इतना बनकर आया है।
वन से लेके सिक्स रो की डिजाइन ही रिपीट होती जाएगी। आप चाहें तो इसे आप टू कलर में बनाएं या मल्टी कलर में बनाएं या वन कलर में भी ये डिजाइन पैटर्न बहुत सुंदर बनकर आएगा। तो यही आप रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन जो है, तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से आप बनाते जाएंगे ना तो आपकी डिजाइन देखिए ऐसे बनती जाएगी। एक डिजाइन हमने ये और बना दी है, देखिए कितनी प्यारी सी ये डिजाइन बनकर आई है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।